हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वॉयस लेकर आ गया हूं, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको ये वॉयस टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। वॉयस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, उसको मैं अच्छी तरह से सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग रूल नंबर 16 देखेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 16 क्या कहा जा रहा है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस से प्लीज और काइंडली से शुरू हो, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस तो प्लीज और काइंडली से शुरू हो या अंत में हो, शुरू में लगा हो या अंत में लगा हो, तो ऐसे वाक्य को पीवी बनाते समय, यानी कि पैसिव वॉइस बनाते समय, प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं और इसे पीवी इस प्रकार बनाते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाते हैं। ये देखिए पीवी यानी पैसिव वॉइस बनाने का मैं तरीका कैसे क्या करना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू आपको लिख देना है, और रेस्ट वर्ड्स एक्सेप्ट प्लीज और काइंडली, और जितने भी शेष शब्द हैं उसको लिख देना है एक्सेप्ट प्लीज और काइंडली, किसके अलावे, तो प्लीज और काइंडली के अलावे, मतलब उन दोनों को हटा करके प्लीज और काइंडली को हटा देना है आपको, और जितने भी वर्ड हैं शेष उसको उतार देना है, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, देख रहे हैं प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यू आर क्या रूल है, यू आर रिक्वेस्टेड टू आपको उतार देना, ठीक है, पहले आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है। इसके बाद लिखने के बाद क्या करना है, तो शेष प्लीज और काइंडली को हटाने के बाद जितने भी ये इसमें देखिए प्लीज दिख रहा है आपको, तो प्लीज को हटा दीजिए, अगर काइंडली भी दिखता है तो उसको भी हटा देना था, प्लीज और काइंडली जो भी वर्ड दिखेगा आपको उसको हटा देना है, और यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके जो बच रहे हैं उसको लिख देना है। तो प्लीज को हटाने के बाद क्या बच रहे हैं, हेल्प मी, तो इसको आपको क्या करना है, उतार देना है ऐसे ही, ठीक है, बन गया। इसी तरह से इसको भी बनाना है, तो आपको क्या करना है, तो देखिए इसमें प्लीज दिख रहा है ना, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली जहां पे भी दिखेगा तो उसको आपको कैसे बनाना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू आपको शुरू में लिखना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके, और उसके बाद में क्या होगा, प्लीज और काइंडली जो भी होगा उसको हटा देना है। देखिए इस सेंटेंस में हम प्लीज को हटा देंगे और शेष जो बच रहा है उसको हम लिख देंगे, यानी टेक और योर सीट, तो योर सीट लिख देंगे यहाँ पे, योर सीट है तो सीट, क्लियर। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे हम, तो देखिए काइंडली पोस्ट दिस लेटर, ठीक है, दया करके इस चिट्ठी को छोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ पे काइंडली का यूज हो गया, तो काइंडली का यूज अगर कहीं दिखा दिए जिस इंपरेटिव सेंटेंस में या प्लीज का, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, पैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देंगे, सिंपली यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलने के बाद आपको क्या करना है, तो प्लीज और काइंडली को हटा देना है और जो शेष बच रहे हैं इसको लिख देना है, पोस्ट दिस लेटर बच रहा है तो पोस्ट दिस लेटर लिख दिया जाए, पोस्ट दिस लेटर इसको कैसे लिखना है भाई, तो पोस्ट दिस लेटर जैसे लिखा हुआ है वैसे मैंने लिख दिया सिंपली। इसी तरह से इसको भी बनाना है, ये देखिए इसी तरह से आपको ये वाला भी बनाना है, प्लीज से शुरू है ना, इसमें देखिए प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, तो प्लीज का यूज है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करना है भाई, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके और प्लीज को हटा करके सिट डाउन है तो सिट डाउन लिख देना है आपको, ठीक है, सिट डाउन बन गया सिंपल। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके और उसके बाद देख रहे हैं प्लीज जो भी होगा प्लीज काइंडली उसको हटा करके शेष जितने हैं उसको उतार देना है, गिव मी ए बुक है तो लिख दीजिए गिव मी ए बुक, बन गया। आशा करता हूं कि ये समझ में आपको आया होगा कि कैसे आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक है ना। तो ये रूल नंबर 16 था, आसानी से आप समझ चुके हैं कि जिस इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लगा हो तो उसको हम लोग कैसे पैसे बनाएंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके और प्लीज और काइंडली को हटा करके से जितने वर्ड है उसको आसानी से लिख देना है, उतार देना है, बस बन गया पैसे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, अब रूल नंबर हम लोग 17 देखेंगे। इसके पहले हम लोग प्लीज और काइंडली ये सीख चुके हैं। प्लीज के मतलब होता है कृपया, और इसका मतलब होता है दया करके। दया करके अगर लिखना चाहेंगे, इसका ही मीनिंग समझना चाहते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या है, इसका हिंदी अर्थ क्या है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग दो शब्दों के बारे में सीखेंगे, आदेश और सलाह। यानी इंपरेटिव सेंटेंस अगर इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो, ठीक है ना, तो उसको हम उसे तो इससे आदेश या एडवाइस का बोध हो, तो करना क्या है, इसे पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर, यू आर ऑर्डर्ड। अगर यदि आदेश का बोध होगा तो ऑर्डर में बदलेंगे, अगर सलाह का बोध होगा तो एडवाइज में बदलेंगे, और टू प्लस जो भी रेस्ट वर्ड्स है, जो भी चीज है ना, उसको हम लिख देंगे। जितने वर्ड है ना, मतलब ये सब लिख करके, और जितने भी शेष, मतलब जितने भी वर्ड है सबको उसको जोड़ देना है, इसके साथ जितने वर्ड है, ठीक है ना, वो सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो उसको हम लोग यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज में के बाद टू लगा करके इंट्रांजिटिव वर्ड जो भी होगा उसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, इसको देखिए सिट डाउन लिखा है, ये इंट्रांजिटिव वर्ड का वर्ब का काम कर रहा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ठीक है ना, इसमें क्या लिखा है, सिट डाउन माने बैठ जाइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको जब पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देंगे, यू आर सॉरी ये बैठ जाइए, बैठ जाइए मतलब कि क्या, इस यहाँ पे किस चीज का बोध हो रहा है, आदेश का बोध हो रहा है, बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए, यहाँ आइए, वहां जाइए, ये आदेश का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, ओ आर डी ई आर ई डी, ऑर्डर क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑर्डर। तो यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद में टू, ठीक है, उसके बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब जो भी है इसको हमको क्या करना है, ऐसा ही उतार देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, पहला बन गया। दूसरा इसी तरह से यू आर, यहाँ पे कम हेयर, कम हेयर मतलब कि यहाँ, मतलब आदेश है यहाँ, और तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर लगा दिया जाएगा, ठीक है ना, और जो भी है कम हेयर है तो कम हेयर लिख देना है, इसमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही उतार देना है, इसमें जोड़ देना है यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइज टू लिख करके जो भी सेंटेंस है उसको जोड़ देना है, उसके साथ कुछ नहीं करना आपको, वर्क हार्ड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवाइज लगेगा, क्यों भाई, क्योंकि सलाह की बोल रहा है, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करिए, यानी कि सलाह दिया जा रहा है ना कि आप कठिन परिश्रम करिए, करिए चाहे नहीं करिए, इसमें इसमें सलाह की बोध होता है, कठिन परिश्रम करना चाहिए आपको, ठीक है, ये सलाह बोध दिया जाता है। तो यू आर एडवाइज कहेंगे, ए डी वी आई एस सी डी, एडवाइज, उसके बाद टू, और वर्क हार्ड है तो वर्क हार्ड, ये सलाह दिया जाता है कि आप कठिन परिश्रम आपको करनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये सलाह की बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए गो देयर, गो देयर है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आदेश का बोध है, वहां जाओ, तो आदेश है तो क्या लगाएंगे, ऑर्डर, यू आर ऑर्डर, ऑर्डर टू गो देयर, ठीक है, बन गया। इसी तरह से इसको जब बनाइएगा तो स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, ये भी आदेश है, तो यहाँ पे भी क्या लगेंगे, यू आर ऑर्डर, क्या लगेंगे, You are ordered to क्या है जी, stand up, खड़े हो जाइए, stand up, ऐसा ही उतर गया। तो बस सिंपल देखिए कैसे, कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, अगर सेंटेंस आते हैं तो उसको एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो बस आपको इस तरह से आपको पैसिव एक्टिव से पैसिव सीखना है, और जितने भी इंग्लिश के टॉपिक हैं, ठीक है, आपको अच्छे से ऐसा ही सीखना है, बच्चों की तरह सीखना है, तो हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, और पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल आइकन को, घंटी को दबाना पड़ेगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ताकि मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहूं। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।